Now next example related to function declaration styles. C के केस में two type के declarations possible थे as we were discussing in previous lectures. C declaration and Pascal declarations. According to C declarations function arguments are resolved from right to left but parameters are initialized from left to right. Same है Pascal के केस में क्या था just opposite case means arguments are resolved from left to right and parameters are assigned from right to left. इसे दोनों बिहेवियर को टेस्ट करें इस केस में फंक्शंस m1 और m2 m1 का टाइप क्या है इस केस में करंटली c डिक्लेरेशन वेयर एज m2 इज अ पास्कल डिक्लेरेशन टाइप्स बोथ आर हैविंग टू पैरामीटर्स और टू आर्गुमेंट्स इन करंटली कॉलिंग टाइम पर सप्लाई कितने की ओनली सिंगल वैल्यू मींस ए फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट वैलिड है इस केस में आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम्स इज करंटली m1 m1 के केस में रूल्स किसके फॉलो करेंगे M1 का declaration style found रहा C declaration according to C declarations means इस केस में value single pass की है लेकिन ये currently value कुछ नहीं कि value x में assign होगा है y में assign होगा इस केस में identify करें what is the parameter initialization rule C declarations के according parameters को initialize करने का rule क्या था means parameters are initialized from left to right means सबसे पहले left most parameter में value assign होगा then नेक्स्ट वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट मोस्ट पैरामीटर क्या फाउंड हो रहा है इसके इसमें वेरिएबल एक्स दैट्स व्हाई 5 इज असाइन टू द वेरिएबल एक्स एक्स के केस में असाइन हो जाएगा सप्लाइड वैल्यू ऑफ कॉलिंग फंक्शंस देन वाई के केस में असाइन किया सम अननोन और गार्बेज वैल्यू मे बी 0 इस केस में गार्बेज वैल्यू 0 भी होने के चांसेस होंगे फाइनली इस केस में इसके अकॉर्डिंग x और y में क्या असाइन हो रहा है x का वैल्यू क्लियर है इस केस में 5 लेकिन y के लिए वैल्यू कैसा अननोन इसलिए फाइनली प्रिंट एप से डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू ऑफ x y वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज गार्बेज इन फर्स्ट केस फर्स्ट कॉलिंग सेम है जब सेकंड टाइम फंक्शन कॉल करेंगे m2 m2 के केस में अप्लाई करेंगे पास्कल रूल अकॉर्डिंग टू पास्कल रूल पैरामीटर्स आर इनिशियलाइज्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मीन्स गिवन वैल्यू 5 सबसे पहले राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग किस में असाइन होगा वेरिएबल y इस केस में y का वैल्यू क्लियर है 5 बट x इज गार्बेज दैट्स व्हाई प्रिंटेड वैल्यू ऑफ x y इज गार्बेज एंड 5 दिस इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स